न्यूजीलैंड की 5 मिलियन आबादी में से कोरोना संक्रमण के कुछ ही मामले थे और केवल 26 मौतों हुई। वायरस को रोकने के न्यूजीलैंड के प्रयासों से दुनिया चकित थी। नए संक्रमण बंद हो गए हैं और जीवन सामान्य हो गया है। हालांकि कुछ बदलाव जैसे सीमित मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी के मानदंड। हालांकि प्रधानमंत्री जसिंदा आर्डर्न ने अचानक देश में 3 दिन के लॉकडाउन का आदेश दे दिया। इसकी वजह डेल्टा उपभेद का संदिग्ध मामला है। पिछले 6 महीने में संक्रमण का यह पहला मामला दर्ज किया गया है। उसने कहा कि अन्य देश जो डेल्टा संस्करण को नियंत्रित करने में आत्मसंतुष्ट हो गए थे, उनमें मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई जो बेकाबू हो गए। हम इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहते और दूसरे देशों की तरह पीड़ित नहीं होना चाहते हैं। वह परीक्षणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में 17 अगस्त से 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। ऑकलैंड और आसपास के कोरोमंडल इलाके में 1 हफ्ते के लिए पाबंदियों लगाए गए हैं। देश ने केवल 20% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया है।